हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हो चुकी है 26 जनवरी। टाइम हो रहा है अभी 9:05। आप देख सकते हो घर से मैं निकल आया हूँ, जहाँ जिस जगह हमने स्टे किया था ना, वहाँ से हम निकल आए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने पिकअप पॉइंट की तरफ। जैसे आपको पता ही है, हमारे जो राइडर हैं उन्होंने अपना रूम ले रखा है, होटल जो ले रखा है ना, वो एयरपोर्ट के पास में ले रखा है। अभी अपनी ये गाड़ी खड़ी है और बस निकल आए। जैसे आपने शाम को देखा था ना, ये सोसाइटी है और यहीं पे हम रुके हुए थे। इस्टे अपना नाइट में यहीं था। अभी 2 दिन हो गए हैं तो 2 दिन से यहीं स्टे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम निकल आए हैं, अभी जा रहे हैं अपना पिकअप की तरफ। और आज है काफ़ी खास दिन, आज है 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की मुबारक हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने पिकअप पॉइंट की तरफ और करते हैं फटाफट से पिकअप और देखते हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं और कितनी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सारा कुछ आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और चलते हैं फटाफट से, करते हैं अपना पिकअप। ठीक है, और आज वैसे काफ़ी मज़े आएंगे क्योंकि कल तो हम इतना नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि कल क्या है, यहाँ पे आए थे मोदी जी तो सारे फोर्ट जितने भी थे ना वो सारे बंद थे। तो अभी चलते हैं। अभी पहले तो ये है कि सबसे पहले हमें भरानी है अपनी गाड़ी में CNG, क्योंकि कल हमने CNG नहीं भराई थी। कल हम मतलब ज़्यादा तो कहीं नहीं गए थे, जैसे आपको दिखाई दिया था, मैं जितनी जगह गया था सारा कुछ आपको दिखा दिया था। और अभी हम निकलते हैं अपने, पहले भराएंगे CNG फिर जाएंगे पिकअप पे, क्योंकि अभी 9:06 हो रहा है और 10 बजे के आसपास हमें होटल पे पहुंचना है। क्योंकि अभी वैसे कोई मैसेज नहीं आया हमारे राइडर का, उनको मैंने कल बोल दिया था, मैंने कि अगर आपको कहीं जल्दी निकलना हो, कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज डाल देना, बट उनका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं कैसा रहेगा आज का हमारा दिन, और जैसा भी रहेगा आपको सारा कुछ दिखाएंगे इसी वीडियो में। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आने वाले टाइम में आपको फ्री राइड भी मिलेंगी और काफी मजे आएंगे। आपको जहां भी घूमना है ऑल ओवर इंडिया हम घुमाएंगे, हमारे साथ घूमिए। और हमारे साथ कहीं भी जाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से पिकअप और फिर निकलते हैं थोड़ी सी देर में। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है जयपुर से। तो गाइस, अभी पहुंच गए हैं हम अपने CNG पंप पे और CNG भरवाते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ पे जो CNG का रेट है वो है 93.35, 93 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे में कितनी गैस आती है, क्या है, फिर उसके बाद निकलेंगे। और पंप जो है बिल्कुल खाली था, तो भरा लेते हैं फटाफट से। अभी वैसे राइडर का कोई कॉल मैसेज कुछ आया नहीं है, अभी देखते हैं कितनी देर में आएगा। और यह है कि हम अपनी गाड़ी फटाफट से लगा दे रहे हैं। ये देखो मंदिर कितना बढ़िया बना है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। आज देखो 26 जनवरी की वजह से ना रोड काफी बढ़िया मिल रहे हैं, सारे खाली रोड मिल रहे हैं, देख सकते हो आप। और ये देखो बीच में कोई कचरा फेंक के चला गया, इतना सारा, इतना साफ सुथरी जगह को गंदा कर दिया, वो भी आज इतना स्पेशल दिन। काफी बढ़िया लग रहा है, रोड खाली खाली पे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। CNG अपनी हो गई है फुल, देख सकते हो। अभी देखते हैं आज कितनी चलेगी हमारी गाड़ी, इसमें कितना साफ सुथरा रोड है आप देख सकते हो, और काफी सफाई हो रखी है आज 26 जनवरी की वजह से। देख रहे हो आप, काफी फ्लैग लगे हुए हैं, काफी सजावट की गई है। और ये कल आए थे मोदी जी और फ्रांस के कोई मुख्यमंत्री या CM जो भी थे, पता नहीं। कल भी आप देखो यहाँ से हम क्रॉस हुए थे ना, आज भी हम निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर जिस किसी को भी पता है तो ये बिल्डिंग क्या है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास में, और होटल के पास में आप देखो कितनी सारी गाड़ियां लगी हैं, और ये डेली यहाँ पे इतनी लगती है, पता नहीं किस वजह से। यहाँ मतलब कई लोकल की भी है और काफी बाहर के नंबर की भी गाड़ियां हैं। और ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये जो है ना ये अपना होटल है। तो यहाँ लगाते हैं गाड़ी फटाफट से और थोड़ा गाड़ी को साफ कर लेते हैं, फिर निकलेंगे थोड़ी सी देर में। देखो हमने भी अपनी गाड़ी में
फ्लैग लगा लिया है क्योंकि आज है 26 जनवरी, और ज्यादा बड़ा तो मैंने नहीं लगाया, बस छोटा सा डैशबोर्ड पे अपना लगा लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा गाड़ी पे भी कपड़ा मार लेते हैं, गाड़ी को साफ कर लेते हैं क्योंकि फिर निकलेंगे थोड़ी सी देर में यहाँ से। गाइस टाइम हो चुका है 11:30 और हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जो है ना, और ये झील है, इसमें रहते हैं मगरमच्छ बताते हैं, पर पता नहीं अभी वहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा था टाइप का कुछ है। मैं तो बाहर ही पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ और जो हमारे राइडर हैं वो गए हुए हैं अंदर। तो ये देखो हाथियों से अंदर जाते हैं, आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ है, और काफी यहाँ देख रहे हो काफी कबूतर हैं। ये देखो ये जो झील है ना, इसमें रहते हैं मगरमच्छ। अभी दिख तो नहीं रहे, अगर दिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तो यहीं रुके हुए हैं आमेर फोर्ट पे, और देखते हैं थोड़ी सी देर में अगर ऊपर और कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आज काफी मजे आने वाले हैं पूरे दिन, और ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे पेल के। देखो इस टाइप का है, और ये सामने पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगी है, और एक ये ऊपर है पता नहीं क्या। तो गाइस 3:15 हो चुके हैं और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। अभी हमारे राइडर से बात हो गई है, उनकी गाड़ी है थोड़ी सी आगे। अभी आप देख सकते हो ट्रैफिक हो रखा है काफी ज्यादा। ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, आप देख सकते हो। अभी बस गाड़ी लगा देते हैं, फिर थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं। गाइस टाइम हो चुका है 4:20, हम पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये अपनी गाड़ी लगा दी है, और आज काफी बढ़िया एक चीज हुई कि पार्किंग फुल होने की वजह से ना मैं अंदर आने का मौका मिला, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो तो हमारे राइडर ने ली है, और अंदर हम आ तो गए लेकिन बट कुछ हमें समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा कि हम घूमे भी तो क्या घूमे। लेकिन हमारे राइडर गए हुए हैं, उन्होंने बोला भी था कि आप चलो तो हमारे साथ चलो, लेकिन वो ये है ना कि उनके साथ क्या मज़ा आता। तो इस चक्कर में मैं अपने यही पार्किंग में रुका हुआ हूँ। ये मेरे पीछे देख सकते हो लोग ऊपर खड़े हैं, और ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी देखते हैं अब यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, लेकिन ये है अगर आप लोगों को किसी को घूमना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। टाइप का है कुछ ये देखिए, ठीक है। और अभी आगे कुछ और भी काम चल रहा है, दीवाने खास करके जो है ना, देखो वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, ऐसे काम चल रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ किसी फोर्ट के अंदर, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसको भी मज़ा आता है ना वो एक बार आके देख सकते हैं। और मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, एक यहाँ पे ये राइड मिलती है। टाइम हो चुका है 6:45 और हम पहुंच गए हैं जल महल के पास। और आते आते ना थोड़ा अंधेरा हो गया, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा क्लियर ना दिखे, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके देखना, दिखाते हैं आपको जल महल। अभी पानी के अंदर पूरा बना हुआ है और यहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी, और इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस ये है देखिए ये है जल महल। दूर से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगर वही हम दिन में आते ना तो थोड़ा सा साफ दिखता। तो यहाँ पे बस ये है कि यहाँ का जो स्ट्रीट मार्केट है ना, ये अपने लिए थोड़ा खास है, जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो राजस्थानी कल्चर में आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप का है,
और जो यहाँ फोटोग्राफी आप कराओगे तो वो भी यहाँ राजस्थानी ड्रेस में आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जो हो रही है ना फोटोग्राफी, और काफ़ी चीज़ें हैं जो राजस्थानी कल्चर में हैं, आप देखिए। ठीक है, तो अभी अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा, और यहाँ पे ये भी आपको चलाने को मिलेगी, जैसे बच्चों के लिए अलग होती है ऐसे बड़ों के लिए ये गाड़ी होती है। और ये है अपना जल महल। तो चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। और अभी आज के तो हमारे ये 3 टूरिस्ट पॉइंट रहे हैं, और अभी कल का कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं कैसे क्या रहेगा। अभी कल का जो भी रहेगा आपको बताएंगे कल के ब्लॉग में, फिलहाल अभी देखते हैं और कहीं जाएंगे तो वो आपको तो बताएंगे थोड़ी सी देर में। चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। तो गाइस टाइम हो चुका है 9:56, ठीक है, आप देख सकते हो 9:56 का टाइम हो गया है। हमारे राइडर गए हुए हैं इसमें मूवी देखने, राज मंदिर सिनेमाज। ठीक है, अभी हम यहीं पे बाहर खड़े हुए हैं पार्किंग में, और 9 से शायद 11 का शो देख चल रहा है, पता नहीं मुझे, लेकिन मूवी देखने गए। अभी देखते हैं कल जैसा ही आज भी हमें टाइम हो जाएगा, जैसे कल हमें करीब 11 बज गए थे ना फ्री होते होते, तो आज भी लग रहा है वैसा ही टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे जो मौसम हो रहा है ना काफी बेहतरीन हो रहा है, सर्दी तो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं जब से हम आए हैं ना वहां से, तो दिल्ली में तो अभी भी काफी सर्दी हो रही है, यहाँ पे इतनी मस्त हवा चल रही है, इसीलिए मैं गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, पार्किंग का स्पेस वहां पे था नहीं, इसकी वजह से यही गाड़ी बाहर लगा रखी है। ठीक है, अभी देखते हैं सर कितनी देर में आएंगे और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा उसके बाद तो शायद होटल ही जाना रहेगा। देखते हैं, अभी तो यहाँ वेट कर रहे हैं हम अपना खड़े हुए, अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं, और यहाँ कुछ आसपास मिल भी नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जो सही से पेट भर के खा सके, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ पे, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, मतलब टूर पे फर्स्ट टाइम आया, अभी तक जितनी भी रहती है अपनी सारी वन वे की बुकिंग रहती थी, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मतलब जैसे सुबह जब मैं गया था ना, तो सुबह गया था वहां तो खाने का थोड़ा बहुत मिल रहा था आमेर फोर्ट के पास में, उसके बाद जैसे हम नारगढ़ फोर्ट में गए वहां तो मतलब पार्किंग के बाहर तो काफी चीजें थी, लेकिन हमारी गाड़ी जो है ना पार्किंग ना होने की वजह से हम सीधा अंदर ले गए थे, तो अंदर हमें कुछ नहीं मिला, तो इसकी वजह से वहां भी कुछ नहीं खा पाए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो हमारी लाइन में होता ही रहता है, जैसे आज सबको पता ही है ड्राइविंग लाइन तो बस ऐसी है ही है, क्या कर सकते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी चीज का, ना खाने का, सोने का, नहाने का, कुछ भी नहीं। तो चलिए अभी राइडर आ जाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो गाइस टाइम हो चुका है 12:23 रात के, और अभी आप देख सकते हो अभी जस्ट मूवी छूटी है, और अभी हमारे राइडर देखते हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं। अभी देखिए आप, ये वही है अपना राज मंदिर, लाइट बंद हो चुकी है, और अभी यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। अभी जैसी मूवी छूटी है ना, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। तो चलिए अभी हमारे राइडर आ रहे हैं, उन कर लेते हैं उनको फटाफट से पिकअप और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस टाइम हो चुका है 12:50, आधी रात हो गई है, मतलब आधी ही रात क्या कह सकते हैं कि दूसरा दिन लग गया है, मतलब 27 तारीख करीब स्टार्ट हो चुकी है, और हम अभी फाइनली अपने होटल पे पहुंच गए हैं। जैसे मैं अभी आपको बाहर का नजारा दिखाऊं, जिस टाइप का है देखिए, ये अपना कल वाला होटल है, और यहीं पे हमारे राइडर अभी रुके हुए हैं। ठीक है, तो वो चले गए अंदर, अभी मैं अपना यहीं बाहर खड़ा हूँ। तो अभी एक तो इतनी तेज भूख लगी थी ना, तो अभी खाना ऑर्डर किया है जोमेटो से, तो अभी थोड़ी देर में जोमेटो वाला आ रहा होगा, बस अपना खाना पीना खाएंगे। और आज जैसे आपको दिखाया था ना मैंने कि हमेशा मैं जिस जगह पर स्टे करता था जा जा यहाँ से निकल के, तो आज वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है करीब 1 बज गया है, और अभी मतलब आधी रात में किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, हमारा तो काम है ही है डेली परेशान होने का, बट कोई और हमारी वजह से परेशान हो तो अच्छी बात नहीं है। अपनी यही पीछे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी लगा लेंगे और ये आज हम अपना यहीं पे स्टे करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आज रात का हमारा कैसा क्या रहेगा सीन, यहाँ कैसी नींद आती है। अभी तक तो उत्तराखंड में सोते थे तो वहाँ मौसम रहता था ठंडा, और यहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक है,
देखते हैं, रात को यहीं अपना स्टे करेंगे और कल कैसा क्या रहेगा बताते हैं। अभी फिलहाल जोमेटो वाला आ रहा है और खाना पीना करने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। जैसे ही जोमेटो वाला आएगा ना तो दिखाते हैं। और जिसमें हमने खाने में ऑर्डर किया था आज, दाल बाटी और चूरमा, ठीक है? तो अभी हमारा दाल बाटी चूरमा आ रहा है और फिर खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। गाइस अपना खाना आ चुका है और टाइम देख रहे हो आप, 1:22 हो रहा है रात के, और बस अपना खाना लग गया है और बस अब खा ले खाना फटाफट से और फिर यहीं आज हमारा यहीं स्टे होगा, गाड़ी में ही यहीं होटल के पास में, कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना 1:22, मतलब आधी रात हो चुकी है। अब अगर कहीं जाते भी हैं तो आधा घंटा हमें जाने में लग जाएगा और फिर सुबह इतनी जल्दी सो के उठ नहीं पाते हैं, तब तक मैडम का कॉल आ जाएगा, तो क्या ही फायदा। इससे बढ़िया तो गाड़ी में ही सो लेंगे, वो ज्यादा ठीक है, और फालतू में किसी दूसरे के घर जाके ना अपने चक्कर में किसी की नींद क्यों खराब करनी। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, थोड़ा हटके रहा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी पार्ट पसंद आया है, कोई भी चीज अगर आपको देखनी है, कहीं भी घूमना है हमारे साथ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस आज की फुल वीडियो यहाँ समाप्त होती है, आज का ब्लॉग हमारा यहाँ एंड होता है और इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ न्यू लोकेशन पे। चलिए बाय, गुड नाइट एंड सी यू, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।